खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एमपी के भिंड में कल शाम हुई बारिश में खुली प्रशासन के इंतजामों की पोल, शहर के ज्यादातर बाजारों और कॉलोनियों में भरा पानी। एमपी के सागर में भारी बारिश से सड़कें हुई बंद, एम्बुलेंस समेत कई वाहन फंसे। एमपी के टीकमगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद सरकारी दफ्तरों समेत दुकानों में घुसा पानी, दुकानदारों का आरोप निकासी का इंतजाम न होने के चलते इलाके में भरा पानी। एमपी के दमोह में पुलिया पर पानी भरने के बाद भी सड़क पार कर रहे 3 बाइक सवार भाई, पास से गुजर रहे एक युवक की मदद से बची जान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग का अनुमान जल्दी ही पहाड़ी के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी शुरू होगी बारिश। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद SDRF और जिला आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट की गयी। 6 दिन की देरी के बाद मानसून ने दिल्ली में दस्तक दी, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। पंजाब के तरनतारन में नहर टूटी, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, किसानों का आरोप सफाई न होने से नहर टूटी, मुआवजे की मांग की। यूपी के फिरोजाबाद में पहली बारिश के बाद ही जल भराव के हालात, स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मथुरा के गोवर्धन में 3 घंटे की बारिश में लक्ष्मी नारायण मंदिर में घुसा नालों का गंदा पानी, दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का प्रशासन पर गुस्सा फूटा। यूपी के मुरादाबाद में भी भारी बारिश के बाद शहर बना तालाब, सड़कों के साथ लोगों के घरों में भी पानी भरा। यूपी के इटावा में पहली मानसून की बारिश से सड़कें बनी तालाब, सड़कों पर कई गाड़ियां भी फंसी, जिसके बाद लोगों ने धकेल कर गाड़ियों को बाहर निकाला। इटावा में बारिश के बाद अस्पताल परिसर में भी घुसा पानी, कई कॉलोनी और दुकानों में भी पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। पेश हुआ मोदी सरकार 2 का पहला बजट, बजट गरीबों पर मेहरबान लेकिन मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत नहीं, अमीरों पर टैक्स बढ़ाया गया। 45 लाख तक के घर खरीदने पर अब 3.5 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा, पहले ये छूट 2 लाख की थी। बजट में ऐलान से पेट्रोल, सोना, टाइल्स, गाड़ियों के पार्ट्स, स्प्लिट AC और विदेशी किताबें महंगी हो जाएंगी। बजट से ये चीजें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स और मोबाइल फोन के चार्जर। बजट के बाद करीब 2 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, कल रात से लागू हुए दाम, वित्त मंत्री बोली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ की, मोदी ने बजट को गरीब को बल और युवा को कल वाला बताया। कांग्रेस ने बजट को फीका बताया, कहा बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं, उल्टे कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया। बिहार के CM नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की, कहा हर घर जल योजना बिहार में पहले से लागू है, जिसे अब देश में लागू किया जा रहा है। विदेश मंत्री S. जयशंकर और जुगल ठाकुर ने गुजरात से राज्यसभा चुनाव जीता, गुजरात के CM रूपाणी ने माला पहनाकर किया स्वागत। राज्यसभा उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले गुजरात कांग्रेस के MLA अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झारा ने विधायकी छोड़ी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए सवाल। दोबारा PM बनने के बाद आज वाराणसी का दूसरी बार दौरा करेंगे PM मोदी, पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में PM मोदी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, इसके बाद 5,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी, पार्टी के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आए JP नड्डा का भव्य स्वागत, CM, डिप्टी CM और कई कैबिनेट मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी से जुड़े मानहानि के केस में पटना की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस्तीफे पर फैसले के लिए जल्द होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, अगर इस्तीफा स्वीकार हुआ तो भंग हो जाएगी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जयप्रदा ने रामपुर से आजम खान के सांसद चुने जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और करप्ट प्रैक्टिस के आरोप। रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा का बच्चों को पढ़ाने का वीडियो वायरल, ब्लैकबोर्ड पर कंट्री की स्पेलिंग गलत लिखी।
लालू के लाल तेज प्रताप का एक और विवादास्पद बयान, बोले मेरे और तेजस्वी के बीच जो आएगा उसको चक्र से छीड़ देंगे। इंदौर में गंजी कंपाउंड के जिस जर्जर मकान को लेकर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अधिकारी की पिटाई की थी, उस मकान को नगर निगम ने गिराया। पद से हटाए गए एडिशनल सीबीआई डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सिविल डिफेंस में भेजा गया। फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए। पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर की मानहानि के मुकदमे पर आज कोर्ट में सुनवाई। पत्रकार पीआर रमानी पर मीटू कैंपेन से बदनाम करने का आरोप। महाराष्ट्र के समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार वकील संजीव पुनालेकर की आज कोर्ट में पेशी। पुनालेकर पर हत्या में इस्तेमाल हथियार नष्ट करने का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट ने बेटी की शादी के लिए एक महीने के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रही राजनीतिक हिंसा। बर्धमान में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बुरी तरह पिटाई। टीएमसी समर्थकों पर मारपीट का आरोप। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने नाना नाती की गोली मारकर हत्या की। परिजनों ने पड़ोसी टेम्पो चालक पर शक जताया। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक बार फिर दिखी एमएनएस की गुंडागर्दी। एमएनएस नेता राजू उंबरकर ने बैंक मैनेजर की पिटाई की, आरोपी नेता गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने रेप के आरोपी मोहम्मद नन्ने को जेल भेजा। रेप पीड़ित बच्ची को देखने पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, लोगों ने बच्ची के परिवार को मदद करने की अपील की। दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ टॉफी दिलाने के बहाने आरोपी नन्ने ने झाड़ियों में रेप किया था। आज द्वारका की रेप पीड़ित बच्ची को देखने सफदरजंग अस्पताल जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिन में पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए, जिसमें पुलिस ने एक 25,000 के इनामी बदमाश समेत 2 को गिरफ्तार किया है। नोएडा में अवैध पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने दर्जनों गाड़ियों को किया सीज। दिल्ली के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदिर के तोड़फोड़ का मामला आया सामने। मंदिर की प्रतिमा पर की गई पत्थरबाजी। मुजफ्फरनगर के मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद पुजारी ने आरोपी को पकड़ा। नाराज लोगों ने थाने का किया घेराव। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी को प्रेमी संग रेस्टोरेंट में देखकर पति ने खोया आपा। पत्नी के प्रेमी को पीट पीट कर लहूलुहान किया। यूपी के अलीगढ़ में घर के सामने शौच करने से मना करने पर 3 महिलाओं ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अलीगढ़ में रामायण पढ़ रहे मुस्लिम जायरीन को मोहल्ले के लोगों ने पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में गन्ने के खेत में अवैध रूप से चल रही शराब की भट्टी का भंडाफोड़। पुलिस ने 30 क्विंटल लहन को मौके पर किया नष्ट। यूपी के गाजीपुर में ट्रक के नीचे आने से बाइक में लगी आग। बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी। यूपी के गोरखपुर में शातिर चोर का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद। स्पाइडरमैन की तरह पाइप के सहारे घर में घुसकर की चोरी। यूपी के देवरिया में खुद को एटीएस अधिकारी बताने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। बाइक पर भी फर्जी स्टिकर लगाकर रौब झाड़ता था। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी पार्षद और उसके भतीजे की गाड़ी में बम और गोलियों से हुआ हमला। पार्षद का आरोप, उसने हमले की आशंका के चलते पुलिस को पहले भी शिकायत की थी। यूपी के बरेली के नामचीन सर्राफा कारोबारी प्रदीप अग्रवाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। दिल्ली के कालकाजी इलाके में कारों से लैपटॉप चोरी करने के बाद ऑनलाइन साइट पर बेचने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 193 लैपटॉप मिले हैं। पंजाब के मोगा की 2 सगी बहनों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में ढाबा संचालक पर बदमाशों ने किया हमला। ढाबा संचालक ने मिर्ची पाउडर डालकर बचाई जान। हरियाणा के रेवाड़ी में खेतों में बोरियों में बंद मिले कई बंदर, जिनमें से ज्यादातर की मौत हो चुकी थी। वहीं बड़ी संख्या में बंदर घायल भी बताए जा रहे हैं। एमपी के छतरपुर में पुराने विवाद के चलते नाबालिग का अपहरण करने के बाद दबंगों ने की पिटाई।
नाबालिग की अस्पताल में हुई मौत। मुंबई से सटे कल्याण में एक शादीशुदा महिला की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के नदिया के राणाघाट कॉलेज में विरोध कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ लाठीचार्ज किया, छात्रों पर भी पत्थरबाजी करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी का कार्यक्रम होने के चलते पुलिस ने बीजेपी की रैली रोकी, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया हमला। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक एटीएम से कैश हुआ चोरी, सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। सिंगर हनी सिंह के गाने में महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने पर दर्ज होगा केस, मोहाली में पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष ने की है शिकायत। यूपी के इटावा में बुजुर्ग से बदसलूकी, टिकट कंफर्म होने के बावजूद शताब्दी ट्रेन में चढ़ने से रोका, सामान्य पहनावा देखकर ट्रेन में न घुसने देने का आरोप। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही, खेतों में पड़ी मिली सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। शिमला के कार्ट रोड से माल रोड तक जोड़ने वाली पर्यटन निगम की लिफ्ट में बिजली गुल होने के बाद फंसे एक पर्यटक, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बाहर निकाला। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा की दीवार बने आईटीबीपी के जवान, पहाड़ों से गिरते पत्थरों से कर रहे यात्रियों को बचाव। 5 अगस्त से 16 अगस्त के बीच भारत में आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री गेम, थार के रेगिस्तान में आयोजित होने वाले इन खेलों में 8 देश भाग लेंगे। विश्व कप में पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का सपना टूटा, आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को हराया, लेकिन रन रेट में पिछड़ने की वजह से सेमीफाइनल में नहीं मिली एंट्री। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर 308 रन से जीत की जरूरत थी, वो 94 से जीता जरूर लेकिन जीत कर भी हार गया। पाकिस्तान ने 315 रन बनाए थे, जवाब में बांग्लादेश ने 221 रन बनाए, बांग्लादेश ने जब 8 रन बनाए तभी पाकिस्तान विश्व कप से बाहर हो गया। विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 11-11 अंक रहे लेकिन नेट रन रेट में न्यूजीलैंड आगे रहा। सेमीफाइनल में कौन कौन भिड़ेगा ये आज तय होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आज आखिरी लीग मैच है, भारत अगर नंबर 1 पर रहा तो न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, अगर नंबर 2 पर रहा तो इंग्लैंड से भिड़ेगा। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की भी टक्कर, अंक तालिका में टॉप पर बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत जरूरी। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, दक्षिण अफ्रीका के मैच से पहले प्रैक्टिस में शॉन मार्श और ग्लेन मैक्सवेल चोटिल, मार्श विश्व कप से बाहर हुए। विंबलडन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का विजयी सफर जारी, चौथे राउंड में पहुंचे, पोलैंड के खिलाड़ी हुबर्ट हुरकास को हराया। बेल्जियम के डेविड गॉफिन ने रूस के मेदवेदेव को दिया झटका, तीसरे राउंड में गॉफिन ने कड़े मुकाबले में 11वीं रैंकिंग वाले मेदवेदेव को हराया। तुर्की के हाथाय प्रांत में शुक्रवार को एक कार में हुए बम विस्फोट में 2 लोगों की हुई मौत, बताया जा रहा है कि कार में पहले से ही विस्फोटक मौजूद था। अमेरिका के इंडियाना में आतिशबाजी देख रहा लड़का 20 फीट गहरे सीवर में गिरा, बचाव टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद बचाई जान। यूरोपीय देश ग्रीस के ईविया आइलैंड पर जंगल में भड़की आग, हेलीकॉप्टर से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश। हांगकांग की संसद पर कब्जा करने वाले छात्र सरकार से बातचीत को तैयार हुए, हांगकांग के संदिग्धों का चीन को प्रत्यर्पित करने के कानून के खिलाफ चल रहा है आंदोलन। अमेरिका के शिकागो में एक्वेरियम में 38 साल की बेलुगा वेल ने बच्चे को जन्म दिया, जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। बॉक्स ऑफिस पर कबीर सिंह का जलवा बरकरार, अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। रणवीर सिंह ने जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी के साथ फिल्म मलाल के गाने मल्हारी पर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। समीरा रेड्डी ने अपने अंडर वाटर मैटरनिटी फोटोशूट से सबको चौंकाया, बेबी बम दिखाते हुए अंडर वाटर तस्वीरें खिंचवाई। अनूप सोनी निभाना चाहते हैं हार्डकोर गैंगस्टर की भूमिका, बोले लोगों ने अब तक मुझे सिर्फ सकारात्मक किरदार में ही देखा है। लंबे इंतजार के बाद दर्शकों को मिल गई नई दया बेन, टीवी एक्ट्रेस विभूति शर्मा आएंगी दया भाभी के किरदार में नजर।